एक्चुअली क्या होता है, हम कहीं जब ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर लेते किसी के साथ तो वो इंसान हमारे को बकवास लगने लग जाता है, मन भरता है, इंसान बदलाव आती है, सारी टाइम के हिसाब से बदलता है। देखिए मेरे लिए तो सारे एक बराबर है, इंसानियत है तो सारी चीज़ें हैं। राखी सावंत का अगर हम मामले को देखें तो उसमें भी उन्होंने कहा कि वो आदिल जो है कहीं ना कहीं मेरा श्रद्धा वाकर जैसा हाल करना चाहता था, तो कैसे देखते हैं आप इस मामले को? सर ये सारी चीज़ें तो फर्जी हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम कहीं जब ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर लेते किसी के साथ तो वो इंसान हमारे को बकवास लगने लग जाता है। रियलिटी है आज की डेट में, जब ज़्यादा ही किसी को ज़्यादा टाइम स्पेंड होने लगता है ना तो बंदा हमें बकवास लगने लग जाता है। बस यही सारी चीज़ है, मन भरता है, इंसान बदलाव आती है, सारी टाइम के हिसाब से बदलता है, तो वही सारी चीज़ें बदली। राखी ने कई संगीन आरोप भी लगाए उनके ऊपर, जिसमें कि मैं बताता हूँ, मैंने सुना है कि जैसे कि 4.5 करोड़ या 1.5 करोड़ ऐसा मैंने सुना है कि उनके ऊपर उन्होंने दिया है, और वो अंजाम भी लगाया है उन्होंने, और बाकी कुछ मामले आए हैं कि मारपीट का भी लगाया है उन्होंने, बाकी और से मतलब बहुत सारी चीज़ें आई। इसे आप कैसे देखते हैं एक महिला की निगाह से, क्योंकि महिला और एक एक्ट्रेस में भी थोड़ा सा लोग फर्क समझते हुए आए हैं, तो महिला की निगाह से आप कैसे देखते हैं, और एक अगर एक्ट्रेस की बात करें तो आपको कैसी राखी सावंत के लिए क्या प्रतिक्रिया रही? सर देखिए मेरे लिए तो सारे एक बराबर हैं, जरूरी नहीं है कि वो महिला हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, मेरे लिए एक बराबर है सारे। इंसानियत है तो सारी चीज़ें हैं, मेरे लिए तो सारी चीज़ें एक बराबर है जी। और जो भी है जैसा है, अब आप देख ही रहे हैं, अब उनके बारे में क्या बोलूं, बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए कि लेडीज़ है, गलत नहीं होना चाहिए, अगर शादी की थी तो निभाना चाहिए। डिवोर्स तक की बात पहुंच गई, और हो भी गई, आई थिंक हो भी गई है डिवोर्स, है ना, तो इतना होना नहीं चाहिए। वैसे सोच समझ के सारे कोई भी कदम उठाओ, सोच समझ के उठाना चाहिए, लाइफ का सवाल होता है, मैं यही बोलूँगा आपसे। उसे लोगों ने लव जिहाद के एंगल से भी आंका, तो क्या एक अभिनेत्री के साथ जो हुआ है उससे लोगों पे असर पड़ रहा है, या फिर श्रद्धा वाकर वाली जो एक मामला हुआ है वो लोगों के दिमाग में इतना घर घर गया है कि वो हर किसी को उस मामले से भी अटैच करते हैं, अगर वो हिंदू और मुस्लिम युवती का? अगर देखा जाए सही तौर से तो ये सारी चीज़ें फर्जी है। बात यहाँ पे आ जाती है हिंदू और मुसलमान, आपको पता है हिंदू और मुसलमान कितना होता है हमारे देश में, कितनी चीज़ें होती है, कितनी लड़ाइयाँ होती है, तो बात सारी जो टॉपिक है ना सारी हिंदू मुसलमान पे आ जाती है। हिंदू मुसलमान की कभी निभी नहीं है, आगे भी नहीं निभेगी, और हो सकता है कि निभाना भी ना चाहे, इसीलिए लड़ाई होती है। हमारा देश तो एकता का देश है, और शायद मुझे नहीं लगता इस अगर हम देखें तो इस बाजार में ही लोगों को आंकना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कैसे हम उसमें। ये थिंकिंग आपकी है, आपकी है, मेरी है कि हमारा एक सारे हम एकता के प्रतीक रहे, लेकिन कई लोगों की होती है कि वो मोमडन है उसके साथ नहीं रहना, वो मोमडन है वो लव जिहाद कर सकता है, हमारी बहन बेटी उसके साथ में फंस सकती है, ऐसा नहीं है, सारे इंसान हैं, इंसान के तरीके से देखें सबको। बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जब किसी के पास कुछ नहीं मिलता, कोई ऑप्शन नहीं रहता, मन भर जाता है सबका, तो कुल मिला के सारी बात यही आती है लव जिहाद, सारी चीज़ें उठा के लव जिहाद पे बात आ जाती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।